3,843 भारतीय जाबाजों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 9,851 भारतीय फौजी 13 दिन लंबे उस युद्ध में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनमें से सैकड़ों परमानेंटली डिसेबल हो गए। और इतना बड़ा बलिदान किसके लिए? इनके लिए, इनके लिए या फिर इनके लिए? एनी कंट्री यू डोंट लाइक? इंडिया, 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 इंडिया। जय हिंद देवियों और सज्जनों, जिस हिंदुस्तान की वजह से आज बांग्लादेश का अस्तित्व है, अब वही इनके लिए दुश्मन बन चुका है। और वो पाकिस्तान जिसकी सेना ने 60 के दशक में लाखों निर्दोष बांग्लादेशियों का कत्लेआम किया, इनकी लाखों माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया, उस पाकिस्तान के आज ये हमदर्द बने फिरते हैं। मैं आज पूछना चाहूँगा इन बांग्लादेशी चमकीले चितकबरों से, जो आज भारत को दिन रात गाली देते फिरते हैं, कि क्या तुम भूल गए जनरल टिक्का खान को? भूल गए क्या ऑपरेशन सर्चलाइट को? दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने के लिए भारत ने कितना कुछ गंवाया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1990 में इंडिया टुडे मैगजीन में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1971 के इंडो पाक वार में भारत ने हर वीक लगभग 200 करोड़ रुपए आर्म्स एंड एम्यूनेशंस पे खर्च किए थे। 13 दिन लंबे चले इस जंग में भारत ने प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से लगभग 1400 करोड़ रुपए तो सिर्फ गोला बारूद पर खर्च कर दिए थे। उस जंग ने भारत को एक इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी ढकेल दिया। साल 1971-72 में भारत का GDP ग्रोथ मात्र 0.9% रहा, वहीं 60 के दशक का एवरेज GDP ग्रोथ 4.5% के अराउंड था। और इस इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से भारत को लगभग 13.9 बिलियन रुपयों का नुकसान हुआ था। जंग के बाद भारत ने बांग्लादेश को लगभग 262 मिलियन डॉलर का आर्थिक सहयोग दिया था, जिसकी करेंट वैल्यू अराउंड 19,000 करोड़ रुपए है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब पाकिस्तानी फौज इन लोगों पर जुल्म कर रही थी, तब इसी हिंदुस्तान की सरजमीने इन्हें पनाह दिया था, ये जानते हुए भी कि इनमें से मेजॉरिटी इलीगली भारत में घुस आए हैं। 2001 के सेंसस के एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग 21 लाख बांग्लादेशी इलीगली भारत में रहते हैं। वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा 50 लाख से 2 करोड़ तक हो सकता है। दोस्तों, भारत ने सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी में ही नहीं, बल्कि उसके डेवलपमेंट के लिए भी बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BIDA के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करेंटली भारत ने बांग्लादेश में 61,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। COVID-19 महामारी के दौरान भी भारत ने लगभग 45 लाख कोविड वैक्सीन के डोजेज बांग्लादेश को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए थे, और साथ ही साथ लगभग 8,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी थी। और इन सब के बदले में हमें इनसे मिला तो सिर्फ नफरत, स्पेशली हिंदुओं के लिए। साल 1971 में जहां बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की संख्या लगभग 28% थी, वहीं आज ये आंकड़ा गिरकर 7.95% पर आ गया है। नफरत में ये इतने अंधे हो गए हैं कि अपने ही यहाँ के हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ रहे हैं। कोई इन्हें समझाओ कि ऐसा करके ये हिंदुस्तान का कोई खास नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ही संस्कृति और अपने पूर्वजों के हजारों साल पुराने विरासत का गला घोट रहे हैं।